हरे कृष्णा। जब से हमने घर पर पूजा कैसे करें ये वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट की है, तब से कमेंट्स के माध्यम से हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, जो लोग जानना चाहते थे कि आप ये इतनी बड़ी बड़ी बत्तियां बनाते कैसे हैं जो बहुत समय तक धूं धूं करके जलती रहती है। तो आइए समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी से, बने रहिए अंत तक हरे कृष्णा संगा चैनल पे। क्या घर पर आरती करते समय आपकी दिया बत्ती बहुत जल्दी बुझ जाती है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती? इसका मतलब अभी भी आप वही बाजार की छोटी छोटी बत्तियां यूज कर रहे हैं। कैसा हो अगर मैं आपको कहूं कि आप घर बैठे बैठे आसानी से कुछ ही समय में इतनी शानदार बत्ती बना सकते हैं जो आप अगर एक घंटे तक आरती घुमाएंगे तो भी धू धू करके जलती रहेगी और बुझने का नाम ना लेगी। तो बत्ती बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ ये दो चीजें, देसी घी और रुई। अब रुई लेते समय ध्यान रखें कि आप हॉस्पिटल वाली क्लिनिकल रुई का इस्तेमाल करें, जो जनरली बिस्तर में भरी जाती है वो रुई का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने क्लिनिकल कॉटन और थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। कॉटन को लेकर सबसे पहले एक टाइट बॉल के जैसे बनाइए, इस तरह से एक बॉल के जैसे बना के उसको अच्छे से दबा के टाइट कर दीजिए। देखिए आप जितनी बड़ी बॉल बनाएंगे ये उतनी ज़्यादा देर तक इसमें घी एब्जॉर्ब रहेगा और उतनी ज़्यादा समय तक ये चलेगी। तो आप जितनी देर चलाना चाहते हैं उतनी बड़ी ऐसी एक कॉटन की बॉल बना लें। ये बॉल के ऊपर एक कॉटन की लेयर लेके उसकी फिलिंग करेंगे। देखिए किस तरह से, इस तरह से एक कॉटन की लेयर ले लें और जो बॉल आपने बनाई है उसके अंदर ऐसे फिलिंग करके उसको एक मोदक होता है ना, जैसे कैसे गणपति जी को मोदक ऑफर करते हैं या एक पराठे के अंदर स्टफिंग करते हैं हम, जैसे उस तरह से इसको ऐसे उसके ऊपर कवर कर दें। और कवर करके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इसको आपको जोर से दबाना पड़ेगा। ये शुरुआत शुरुआत में हो सकता है आप अच्छे से ना कर पाएं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो कैसे हम एक गुब्बारे को फुलाकर बांधते हैं उस एज से, उस तरह से इसको यहाँ पर टाइट करते हुए बांध देना है। अब और टाइट करने के लिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से कॉटन लीजिए और उसको और ऐसे बांधते रहिए। तो हमने इस जॉइंट को अच्छे से टाइट कर दिया है और आपको लग रहा है कि ये यहाँ से लूज है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी रुई लेकर इसके एज पर लगाकर जॉइंट को अच्छे से टाइट कर लें। तो थोड़ा थोड़ा घी लेकर घी का प्रयोग करें, ऐसे बत्ती ले लें और बत्ती को घुमाते हुए उसको आगे बढ़ाते और टाइट करते जाएं। जहाँ भी आपको ग्रिप अच्छी लेनी हो और उसे टाइट करना हो इस तरह से थोड़ा घी लें, हाथ में घी मसल कर उसे आगे घुमाते जाएं और बढ़ाते जाएं। अब बत्ती बनाते हुए कुछ विशेष चीज़ों का ख्याल रखें। हम ये भगवान को अर्पण करने वाले हैं, इसलिए बत्ती बनाते वक्त आप कभी भी सर ना खुजाएं। ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ हों, बिस्तर या डाइनिंग टेबल जिस पर हम जूठा रखते हैं वहाँ पर आप ना बैठें, हाथ से पसीना ना पहुँचें या नाक और मुंह पर हाथ ना लगाएं। तो इस तरह से आसानी से आपकी बत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ अलग अलग साइज़ की बत्ती बना के रखी है। आप जितनी देर बत्ती को चलाना चाहते हैं, आपकी पूजा के समय जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह की, उस साइज़ की बत्ती बनाने के लिए आप उतना बड़ा कॉटन का बॉल लें और उसे आगे उतना बढ़ा कर इस तरह से आप सुंदर बत्तियाँ भगवान को बनाकर अर्पण कर सकते हैं। हरे कृष्णा।